हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम पहुंचने वाले हैं सोनमार्ग में, बट अभी हम टैक्सी पॉइंट पे रुके हुए हैं और यहां से हम दूसरी गाड़ी या फिर पोनी करेंगे। वो हम आपको बता देंगे कि हमने क्या करा है और उसके चार्जेस भी हम आपको बता देंगे कि हमने क्या करा है और कितने का करा है। और अगर आपका कभी यहाँ पे सोनमार्ग आने का प्लान बनता है तो प्लीज़ काफ़ी सारे कपड़े पहन के आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सोनमार्ग और ग्लेशियर्स में और देखते हैं कि हमने क्या बुक करा है, कैब बुक करी है या फिर हमने पोनी बुक करा है। तो हमने यहाँ पे कर ली है कैब, जो कि हमें पड़ी है 5000 रुपीज़ की और वो हमें घुमाएगी सारे पॉइंट्स और मैं आपको अपने साथ साथ घुमाऊंगी। और इसके बीच में शूज़ एंड जैकेट्स इंक्लूडेड है, जो कि बर्फ़ में यूज़ होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं रास्ते में। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे सोनमार्ग के लिए, जिसके रास्ते जो थे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होने वाले थे। यही सोचते हुए निकल चुके थे हम अपने सफ़र पे। और जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, ये बात तो सच थी कि रास्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। और उसके थोड़े आगे जाकर आया जिप लाइन, और जिप लाइन के लिए मैंने थोड़ा सा फोर्स करा, चलो करते हैं, बट जब करने का टाइम आया तो मैंने नहीं करा, बट मेरे हस्बैंड ने कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और इन्होंने हिम्मत करके कर लिया जिप लाइन। बट करने के बाद जब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इन्होंने मुझे बोला कि आपको ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और जिप लाइन से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें हमारे कैब वाले भैया ने दिखाया कश्मीर का आखिरी विलेज। इस कश्मीर के आखिरी विलेज का नाम था सरबल विलेज। इस विलेज को देखते देखते मैं सोच रही थी कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ है। इन लोगों को एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए शहर तक जाना पड़ता है, वहीं से ये लोग अपना सारा सामान लेकर आते हैं। कश्मीर का आखिरी विलेज देखते हुए भैया ने हमें ये बताया कि इसके बाद लेह लद्दाख स्टार्ट हो जाता है और ये स्टेट का आखिरी विलेज है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। मेरा तो मन कर रहा था यहाँ पे एक बारी होकर आऊँ। ये काफी ज्यादा दूर था मेरी पहुंच से, और साथ ही साथ ये जो टनल जा रही है वो एक न्यू टनल बन रही है जो कि डायरेक्टली जाएगी लेह लद्दाख में। उसी के साथ साथ पहाड़ और उसका व्यू देखिए कितना ज्यादा सुंदर था। मन कर रहा था इन सब की वीडियो बनाते ही जाओ और इन वादियों को बस देखते ही जाओ। और यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा ठंड। बस सोनमार्ग के लिए हम यहाँ से और आगे बढ़ चुके थे और बीच बीच में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। लद्दाख के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टनल्स बनाई जा रही थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था जोजिला टनल प्रोजेक्ट। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अमरनाथ के बेस कैंप, जिसका नाम है बैनीताल, और यहाँ से आगे आपको पोनी या फिर घोड़े से जाना पड़ेगा। और अगर आप अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। और इन बेस कैंप्स को मैं देख के यह सोच रही थी कि किस तरीके से लोग अपनी अमरनाथ यात्रा कंप्लीट करते होंगे। मैं भी अपनी लाइफ में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करना चाहूंगी। और जो रास्ता आपको नीचे दिख रहा है, मैं एरो दिखा दूंगी वहाँ पे, वो सीधा अमरनाथ का रास्ता है, वो सीधा अमरनाथ की यात्रा वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये रास्ता काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था यहीं से, तो सोचो लोग कैसे जाते होंगे, इस यात्रा को कम्प्लीट करते होंगे। और उसके बाद हम पहुंच चुके थे सीधा जीरो पॉइंट पे, और जीरो पॉइंट की एक खासियत है कि यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर 0 डिग्री पे रहता है। उतरने के बाद हमने यहाँ पे खिंचवाई सेल्फीज फोटोग्राफ्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जीरो पॉइंट का व्यू, देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर है। तो हम पहुंच चुके हैं जीरो पॉइंट पे, और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा जीरो पॉइंट पे रहता है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हद से ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हम ऊपर कहाँ पे गए हैं, वो कौन सी प्लेस है। तो अब मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ कि आप चाहे तो ऐसी गाड़ी भी ले सकते हैं आगे तक जाने के लिए। ऐसा बोला जाता है जब 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था तो वो यही वाला एरिया था। उसके बाद इंडिया ने इस एरिया को वापस लिया था, और उस टाइम पे वापस लिया था जिस टाइम पे यहाँ पे रास्ते भी नहीं बने होते थे, और इस वार का नाम था जोजिला वार। और इस एरिया को तो मुझे देखते हुए केरला स्टोरी की याद आ रही थी थोड़ी थोड़ी, ऐसा लग रहा था केरला स्टोरी की शूटिंग यहीं पर हुई पड़ी है। और इसके बाद वेलकम बोर्ड लगा हुआ था लद्दाख के अंदर जाने का, और इसके बाद हम एंटर कर चुके थे लद्दाख के अंदर।
और हमारे लिए एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू लद्दाख। और यहाँ पे खड़े होके आप यहाँ का एल्टीट्यूड भी देख सकते हैं जो कि सामने बोर्ड पे मेंशनड है। चलिए आगे सफर को कंटिन्यू करते हैं लद्दाख के अंदर एंट्री लेके। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घुमरी में और आपको बिलीव नहीं होगा मेरे जस्ट पीछे है LOC और LOC के जस्ट पीछे है कारगिल। और आपको एक और चीज़ बिलीव नहीं होगी, उस तरफ है वार मेमोरियल और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था और मेरे जस्ट पीछे है घुमरी और यहाँ पे जस्ट अभी हम घूमेंगे तो आपको घुमाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घुमरी के अंदर सबसे पहले और देखते हैं सारी प्लेसेस यहाँ पे और क्या क्या है। और हम बीच में लद्दाख पॉइंट भी होकर आए थे, देख सकते हो कि स्नोफॉल भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और स्नोफॉल मैंने कभी भी नहीं देखी थी और मेरी विश लिस्ट कम्प्लीट हो चुकी है कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। और अगर आप घुमरी के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। यहाँ पे जस्ट पीछे घुमरी कैफ़े है तो वहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसे हमने कुछ नहीं खाया, बस हम अपने कैब वाले भैया को बुलाने गए थे क्योंकि कैब वाले भैया ने हमें जैकेट्स और शूज़ नहीं दिए थे तो वो हम लेने गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मुँह से कितनी ज़्यादा धुंध निकल रही है और इससे आप लोग धुंध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद हम गए थे प्राचीन शिव मंदिर बर्फानी बाबा जी के यहाँ पर, क्योंकि एक प्राचीन शिव मंदिर है, ये थोड़ा सा हाइट पे था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आप शिव मंदिर के अंदर। हमने दर्शन कर लिए थे शिव जी महाराज जी के और सारे बोलेंगे हर हर महादेव और बढ़ते आगे अपने सफर पे। इस टाइम तक हम काफी ज्यादा ऊपर आ चुके थे फोटोग्राफ्स क्लिक कराने के बाद और हमने अपनी जैकेट्स और शूज भी वेयर कर लिए थे और यहाँ पे फोटोग्राफ सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर आ रही थी। और उसके बाद हमने फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई काफी सारी और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी स्नोफॉल यहाँ पे इस टाइम पे हो रही थी, पर थोड़ी देर के बाद इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो गई थी कि यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से मैंने ऊपर चढ़ के पूरी घुमरी की वीडियो बनाई थी और आप ऊपर से देख सकते कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था पूरा का पूरा घुमरी। और इसके जस्ट बाद पड़ने लग गई थी यहाँ पे स्नोफॉल और उसके बाद हमने नीचे जाके टैंक के पास फ़ोटो को क्लिक करवाया और उसके बाद स्नोफॉल की स्पीड भी बढ़ चुकी थी। अब हम घुमरी से नीचे आ चुके हैं और इसका नाम है I am at Zozila। ये पॉइंट इतना ज़्यादा सुंदर था ना, और इसके अंदर से जा रही थी एक नदी और साइड पे टूटी टूटी एक बहुत सारी। फाइनली वी रीच Zozila वार्ड वाली जगह पे। यहाँ पे ना एंड में हमने खूब सारी मस्ती करी थी नदी के अंदर भी और साथ में ये जो बर्फ थी वहाँ पर भी बहुत ज्यादा मस्ती करी थी हमने। और जो स्नोफॉल हो रही थी उसने तो चार चांद लगा दिए थे। हम यहाँ पे एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। कभी आपका प्लान बने तो यहाँ पे जरूर आए और जरूर विजिट करें ये वाली जगह। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे के व्यूज देखना मत भूलें।